बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर है। एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी, एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देश में पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने बीते दिनों हुई हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कलवारी पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त कार्यवाही में हत्याकांड का खुलासा हुआ है। चोरी करते समय हल्ला मचाने पर की गई थी वृद्ध महिला की सिलबट्टे से हत्या। वृद्ध महिला की हुई हत्या का 72 घंटे के अंदर पुलिस की टीम ने किया खुलासा। एसओ आलोक श्रीवास्तव, एसओजी प्रभारी गजेंद्र प्रताप सिंह की टीम ने किया खुलासा। अभियुक्त बबलू निवासी ग्राम रामपुर थाना कलवारी को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी टीम में एसओ आलोक श्रीवास्तव, गजेंद्र सिंह प्रभारी, एसओजी टीम शामिल, एसआई शशिकांत प्रभारी, सर्विलांस सेल एसआई द्वारिका प्रसाद चौधरी, एसपी अनंत यादव, एससी करमचंद का अभिषेक सिंह, साजिद जमाल, गजेंद्र प्रताप सिंह शामिल, एससी जनार्दन, सत्येंद्र सिंह, अरुण यादव, आशुतोष द्विवेदी, अवधराज यादव शामिल हैं। बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी लास्ट में, क्या कुछ मामला था, किस प्रकार की? दिनांक 26/27 की रात में एक महिला बासमती, जो मूल रूप से ग्राम रामपुर थाना कलवारी क्षेत्र की रहने वाली थी, उनकी हत्या की गई थी। 27 तारीख की शाम को इस बात की सूचना स्थानीय थाना कलवारी को प्राप्त हुई। इस सूचना पर थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी कलवारी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, साथ साथ डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। ये केस बिल्कुल बैंक था और किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं था और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 IPC तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें क्राइम नंबर 136/23 दर्ज हुआ था। और इस केस को वर्कआउट करने के लिए क्षेत्राधिकारी कलवारी श्री विनय चौहान के नेतृत्व में थाना स्थानीय की टीम और इसमें हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में और इसमें सर्विलांस की टीमें लगाई गई थी। इन तीनों टीमों के बहुत सार्थक प्रयास से इस केस का जो खुलासा हुआ है, इसमें जब अभियुक्त को पकड़ा गया तो उसने ये बात बताई कि वह मूल रूप से शराब पीने का आदी है और कुछ गलत आदतें उसको लग गई हैं, इसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता थी। और यह उसको पता था कि मृतका जो है घर में अकेले रहती, उसके सारे बच्चे बाहर रहते हैं, तो वो पीछे की दुकान से सटी हुई सीढ़ी के सहारे उसके घर में प्रवेश किया, जहां उसने अलमारी खोल करके उसका 2000 रुपये इसमें से चुराया। और इसी बीच में मृतका को एक भनक लग गई कि कोई व्यक्ति उसे घर में घुसा है, तो उसने कुछ आवाज़ दी और ये व्यक्ति नीचे उतरा और इसने जो है उस मृतका के सर पर एक वहाँ पत्थर से प्रहार किया जो गिर गई और वहाँ पर एक रस्सी के माध्यम से उसका गला घोंट दिया और उसने जो चेन पहने थे, अंगूठी पहनी थी, उसको निकाल करके वहाँ से वो फरार हो गया। बाद में जो व्यक्ति आज रात या सुबह में पकड़ा गया है और इसके पास से लगभग 1600 रुपये और जो माल उसमें वहाँ से चोरी किया था वो भी बरामद हुआ है। और इस प्रकार से इस संपूर्ण केस का बहुत अच्छी तरीके से ये खुलासा हुआ है और इसमें सारी जो टीमें लगी थी उनकी भरपूर सराहना की जाती है और पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 10,000 रुपये का पुरस्कार भी इस संपूर्ण टीम को दिया। सर, अभियुक्त की सिफारिश कैसे उठाएगी, किसी अभियुक्त ने ये बांध किया? ये हमारी पता रसी सुराग रसी और जो हमारी मुखबिर की सूचना थी उसके आधार पर हम इस तक पहुँचे और जब उससे पूछताछ की